उपार्जन केंद्र गुडरू में नाबालिग बच्चों से कराया जा रहा बोरे हटाने का कार्य, अधिकारी कब लगाएंगे बाल श्रम पर नियंत्रण। बाल श्रम एक अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें बच्चों से बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले ठेकेदार या शासकीय कर्मचारी तथा अन्य संस्थाओं पर कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाती है, परंतु बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत गुडरू अंतर्गत धान खरीदी उपार्जन केंद्र के प्रभारी श्यामलाल बिसेन के नाक के नीचे ठेकेदार पटले के द्वारा बाल श्रमिकों को उपयोग कर धान के खाली बोरों में छापा लगे बोरे को हटाने का कार्य कराया गया है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। नाबालिग बच्चे को रुपये का लालच देकर बोरे में छापा लगा रहे व्यक्ति के द्वारा कार्य कराया गया है। बता दें कि जहां बच्चों को राज्य सरकार शासन प्रशासन शिक्षा की ओर आकर्षित करने का जोरदार पहल कर रही है, वहीं कुछ ठेकेदार अपने फायदे के लिए बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में उपयोग कर छोटी रकम हथियाने का काम कर रहे हैं। बीएनएन टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। अपना परिचय देंगे। मैं इलेक्शन बघेले सरपंच प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। 10 तारीख को शाम टाइम यहाँ पे आए हुए थे और एक बच्चा यहाँ पे छापा लगाने का कार्य कर रहा था। हाँ, ये बाल श्रमिक जो काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? देखो, बाल श्रमिक का काम करने का मतलब बनता तो नहीं है, तो गवर्नमेंट और सरकार का नियम है और शायद मना भी किए थे आपने। मैंने मना भी किया था और आप भी उस समय थे यहाँ पे। बाद में वो लड़के ने हटाया नहीं, ठेकेदार का जो भी होगा। एक घंटा लगभग हो गया, आधा एक घंटे उसने काम पे भी किया मतलब। तो इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? क्योंकि अभी क्या हुआ कि ठेकेदार के हिसाब से अपराध, ठेकेदार के द्वारा पुनः एक वीडियो बच्चे का बनाया गया कि बोले हम लोगों ने पैसा दिया, ऐसा कुछ हुआ था क्या उस दिन? नहीं, उसमें मेरे साथ में साथे में चले गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था पैसे की मतलब पैसे का प्रॉब्लम वगैरह। यानी एक तरह से ठेकेदार जो है अपने आप को साथी समझ रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है। चलिए, कलेक्टर साहब से क्या अपेक्षा है, कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि कानून के हिसाब से तो देखो नाबालिग बच्चा है तो अपराध तो है।